इसमें मेरा कुछ पुण्य है या मेरे माता पिता का या मेरे पूर्व पुरुषों का कि आज मुझे ऐसी घड़ी देखने को मिली, एक ऐसा समय आज हमको यहाँ प्राप्त हुआ है, एक क्षण आनंद का जिसकी तुलना और करोड़ों क्षण से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें भाव है, स्नेह है, प्रेम है, सब कुछ है और इसी से अभिभूत होकर के अब मुझे लग रहा है कि कहां मैं शायद बहुत मैंने पुण्य कमाया होगा पिछले जन्मों में, पता नहीं कितने जन्मों में, कि आज एक क्षण मुझे मिल रहा है। चूंकि एक परिपाटी है कि मैं कार्यक्रम के बाद जो वोट ऑफ थैंक्स होता है उसके बारे में मैं एक दो शब्द में अभी निपटा देना चाहता हूं, क्योंकि बाद में जल्दीबाजी रहेगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद मैत्री भवन को देना चाहूंगा। हम लोग सोचते थे कि कहाँ करें, कैसे करें, नजदीक होना चाहिए, सब लोग के लिए आसान होना चाहिए आना जाना, लेकिन डरते डरते आए थे। 51 घंटे, 51, इतना लंबा कहीं से भी सुन ले, धीरे धीरे बढ़ता है, 51, मन लगा कभी बेहोश हो जाए, घबरा ही मत, हो जाएगा। कई लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अलग अलग शामों, लेकिन यहाँ फादर के पास होने पर अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सोच ही रहे, बिल्कुल आप लोग करिए, जो सहयोग होगा सब करेंगे। अब फादर चंद्रकांत जी इतने पॉजिटिव, हमने कहा ये दिक्कत होगी, बोले कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा। उन्होंने कहा कि इसमें आपको बड़ी बाद में बड़ी झमेला पैदा होगा, सबको आनंद आएगा, ये यादगार होगा, बस यही बोलते रहे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी का क्या आनंद होता है वो हम 51 घंटे में मैंने सीखा फादर चंद्रकांत जी से। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरा आभार मैं व्यक्त पहले कर देना चाहता हूँ, लोग बाद में करते हैं, इतनी गजब की ध्वनि व्यवस्था आसानी से नहीं है। पिछली बार हमने 12 घंटे का किया था, यहाँ तो दिखाई दे रहे हैं वो दिखते ही नहीं थे, 12 घंटे में कहाँ गोल हो जा रहे पता नहीं चल रहा है, और इतना खराब था व्यवस्था कि हम लोग जूझते रहे रात भर, कोई इधर बढ़ा रहा है, कोई इधर बढ़ा रहा है, कभी इसको कर रहे हैं और जिसको खोज रहे हैं वो सो जा रहा है कहीं जाके। ये लोग ने अपनी ड्यूटी ऐसे निभाई कि हमने इनसे कहा कि अभी शुभंकर गा रहे हैं और भी दरबारी, आपको मैं बता दूँ 74 मिनट रिकॉर्ड किया बेगोनिया जी, 74 मिनट्स का दरबारी का पूरा कार्यक्रम था, तो लगभग 10 मिनट बाद मैंने इशारा किया कि जाके सो जाओ यार, अभी समय लगेगा, खत्म होने में, और बड़े आराम से सो के वापस आए। तो इतने इस तरह से सन्नद्ध न करके व्यवस्था इन्होंने की, इसका मैं कुछ भी धन्यवाद दूँ, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। कलाकारों को पता है सबसे पहले माइक से जूझना पड़ता है, इसलिए हम तो कोई गले में माला पहना था तो उठा के पहले माइक को पहना देते हैं, क्योंकि ये खुश रहेंगे तभी हमारे गले में माला आए, दीदी तो आ जाएगी। बाकी जो हमारे बड़े आए हैं हमारे पास आज अपने स्नेह का विचारा लेकर के, उनको मैं धन्यवाद दे नहीं सकता, और जो हमारे शिष्यों ने इतना बड़ा हमको एक उपहार दिया है 51 घंटे का, उनको मैं धन्यवाद देना नहीं चाहता। और रही बात संगतकार जो हमारे साथ में, हमारे कहीं हमसे बड़े कहीं हमसे छोटे, इन्होंने सारे लोगों ने आग्रह मेरा रागनी के माध्यम से कहिए चाहे मेरे कहने से हो, तुरंत आकर के इन्होंने हाँ रात में, मैंने कहा 3 बजेगा उसके बाद कोई बात, बाप रे बाप, क्या भगवान इनकी एनर्जी को ऐसे बनाए रखते हैं। जयदेव जी सौम्यकांति मुखर्जी के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, ये मेरे अभिन्न है, हम अभी अलग नहीं है, हम लोग ऐसे ही लड़ते हैं जैसे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वो देखने में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है अलग अलग होता है, लेकिन जहाँ नजदीक लेगा तो चप्प से चिपक जाता है, साइंस पढ़े ना सब, मैग्नेट में क्या होता है, 2 पॉजिटिव आते तो भागते हैं सब, लेकिन 2 पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, अरे तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, नजदीक आया तो हम लोग ऐसे ही लड़ते भी रहते हैं और गले मिलते भी रहते हैं। बाकी सबको मैं कुछ भी मैं अलग अलग धन्यवाद दूँ, कोई छूटे न छूटे, मैं किसी को धन्यवाद नहीं दूंगा,
सब लोगों ने मुझे जो उपहार दिया है मेरे लिए यादगार है। अब मैं जैसे कि 51 रागों की यात्रा थी, 51 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ मुख्य रागों को लिखा था। किसी ने खमाज में ठुमरी गाई थोड़ी लिखा था उसको, किसी ने दूसरा राग गाया उसको थोड़ी लिखा है। तो वास्तव में 55-58 हो गए होंगे। कलाकार भी आप देख रहे होंगे लिस्ट में डबल है, जैसे मैं दोबारा गाया। मत समझिएगा कि 51 ऐसे आया ना, वो कुल मिला के यहाँ जो परफॉर्मेंस है सुने उसकी संख्या 65-65। जो डुप्लीकेट और रिप्लीकेट जो उनको दुनिया भर कुल मिला के 51 आर्टिस्टों ने किया। अगर कोई नहीं आया, नहीं आ पाया, उसके बदले में रिप्लेसमेंट आर्टिस्ट कर दिए गए और गिनती फिर करीब करीब 58 तक पहुँच चुकी है हम लोगों ने किया। तो ये सब गिनती से हम लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हाँ, हमारी एक शिष्या ने जो है गलती से 51 को 91 बोल दिया था। 91 घंटे उस समय मैं शायद किसी को पूछने नहीं रहूँगा कि मैं खड़ा होकर के यहाँ पे सुन भी सकूँ, और अगर नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं, कोसी और रूप में आ जाऊँगा आपके पास। तो मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ जो हासिल मैंने किया वह आप शिष्य लोग हैं। जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान मुझे मिला, भारत रत्न, विश्व रत्न, यूनिवर्स रत्न, सब पीछे है उसके आगे, जो सम्मान आपसे मिला है। बस इसी तरह आप हमारे साथ रहिए, हमारे डांट को सहन करते रहिए, हमारे डांट को फूल समझते रहिए, और आप लोग मुझे स्नेह देते रहिए और यही उपहार देते रहिए। आप शुभकामना के रूप में अपना शुभाशीर्वाद देते रहिए कि हम आप लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं। इस संगीत की जो अनवरत यात्रा है, जो हजारों साल से भारत में चल रही है, वो और आगे बढ़े और ऊंचा जाए। जो छोटे मोटे बाधाएं आती हैं, भूकंप की तरह, तूफान की तरह, पता नहीं कैसे कैसे तूफान किसी से रुका क्या, संगीत यात्रा नहीं रुक सकती। संगीत हमेशा चिरंतन है, स्थायी है, शाश्वत। Oh.
Thank you.
Yeah.
I'm
लोगों में